अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 5:30 पर हुई। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10,000 से 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 35 से 40 श्रद्धालुओं के अभी भी फंसे होने की खबर है। तो वहीं एयरफोर्स भी राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है। बादल फटने की घटना पवित्र गुफा से 1-2 किलोमीटर के दायरे में हुई। वहीं पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2-3 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। तो वहीं कई श्रद्धालु लापता है और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। आपको बता दें कि हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। उन्होंने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की बात कही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि बाबा अमरनाथ की गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़ के संबंध में मैंने मनोज सिन्हा जी से बात की है और साथ ही वहाँ स्थिति की जानकारी ली है। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। मैं सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।